आप क्या कर रही हैं? इतने जवान हैंडसम बच्चे को आप कराची अकेला भेज रही हैं? अरे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हर कोई आपकी तरह नहीं होता कि जहां लड़की देखी लट्टू हो गए। अरे अब कहां, आपने एक ही दफा लट्टू किया था, तब से घूम रहा हूँ। हाँ अबू, काश दूबिया भी मुझे ऐसे ही घुमाए। फिक्र ना करो रिजवान, वो तुम्हें घुमाएगी, खूब घुमाएगी, कोल्लू के बैल की तरह बांध कर। अरे भाई बांधना है तो बिलाल को बांधिए और आयशा की शादी करके साथ भेज दीजिए उसको। अरे मगर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी कोई भी तैयारी नहीं की। पप्पो तैयारी की क्या जरूरत है, हम किस दिन काम आएंगे, बस आप तारीख पक्की करें। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी। आई थिंक मुझे पहले कराची जाकर सेटल होने दें प्लीज। आसमा आप कुछ ले ना, आयशा बेटा अम्मी को डाल के दो। आप भी तो कुछ लीजिए। हाँ मैं तो ले ही रही। कैसी हो? जी वो तुमने जी वो मैं बस यही कहते रहना है या मैं कुछ और भी सुनूं? जी बस आप जा रहे हैं? देखो आयशा, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूं जिससे बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा है। एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जा रहा हूँ जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमारी यूथ पर पड़ेगा। और कौन सा, अमेरिका जा रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ, अपनों में जा रहा हूँ। स्टेशन आओगी? आप बाहर नहीं जा रहे? मुझे एक्चुअली बायर कभी फैसिनेट ही नहीं करता, ट्रेन से मैं सफ़र करना हमेशा प्रेफर करता हूँ। पता है मैंने सुना है कि ट्रेन का सफ़र अकेले नहीं करते। अच्छा इससे क्या होता? मैं सुबह जा रहा हूँ, कोई बात कहनी है तो कह दो, ये ना हो कि फिर देर हो जाए। अपने आप को अकेला मत समझना, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और हाँ अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना। और कुछ? और बस मुझे याद रखना। तुम्हारी आंखें हर वक्त टपकने के लिए तैयार होती हैं, इन्हें रेस्ट दिया करो। सॉरी आयशा, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ओके, जब भी तुम्हारा दिल करे फोन उठाओ, बात कर लिया करो, यहां आ जाया करो फूफो के पास। परेशान होने वाली क्या बात है? मैं परेशान नहीं हूं, फिक्रमंद हूं। आप कराची जा रहे हैं, वहां आप अकेले रहेंगे, वहां आपका कौन ख्याल रखेगा? फूफो ने सब कर दिया है, फ्लैट, कार, कुक, सब कुछ। पर वैसे भी सारा दिन या तो यूनिवर्सिटी में गुजरेगा या फील्ड, सो परेशान होने वाली बात नहीं है। बस यही सोचकर अपने आप को समझाए कि आपके मुस्तकबिल का सवाल है। थैंक यू।
मैं जाऊं? तुम्हारा दिल कर रहा तो चली जाओ, तुम मत जाओ। चली जाती। प्यास भरा पानी मिला। इसे ट्रेन से जाने का एक फायदा होता है, इंसान को सुकून के साथ अपने साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। आयशा, वैसे एक बात कहूं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हज करने जा रहा हूं और आप सब लोग मिलकर मुझे छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। ले आऊं फूल, शौक पूरे कर दूं आपके? अरे नहीं भाई, क्या हो गया, बहुत अजीब लगेगा, बस कर दो। तुम्हें अजीब लग रहा होगा लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अरसे बाद स्टेशन आई हूं मैं, शायद लोगों को ओल्ड फैशन लगता है लेकिन इस तरह से किसी को छोड़ने के लिए आना, लेने के लिए आना, मुझे तो बहुत रोमांटिक लगता है। रेलवे स्टेशन हो और चाय ना हो, रोमांस इनकम्प्लीट होता है। रिजवान, आप हम सबके लिए कड़क चाय ला दोगे? हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। आयशा जरा मेरी बात। बिलाल जी, मैंने वैसे मैनेजर साहब को फोन कर दिया था लेकिन तुम वहां जाके मुझे उससे बात करवा देना। भाई जाओ, तुम्हें भी सुनाएगी और मुझे भी। मैं आपको कह रही थी कि आपके जाने में यही कोई 5 मिनट रह गए होंगे। हाँ अगर ट्रेन आएगी तो। जी तो किसी से जरा दो बात ही कर ले। किससे? किसी से। रहने तो। बहुत शरारती। तो आप वापस कब आएंगे? मैं तो गया भी नहीं हूं। ये आपको याद दिलाएगी कि कोई हर लम्हा आपका मुंतजर है। थैंक यू सो मच। आप इसे पहनेंगे ना? तो पहन ले। पहना दो। चाय आ गई। थैंक यू सो मच। हाय। ये प्लीज। कोस ही वेल। ये हुई ना बात। थैंक यू। कब आएगी ट्रेन?
नहाई हुई प्यास भरा पानी मिला रात जगाई हुई कच्चे बर्तनों सी आसे टूट गई आधी बातें इंतजार करते करते बीत गई नीली शामें ओ ढोला ओ ढोला रुल गे ने खाब निमाने ओ रब्बा दिल हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आप पहुंच गए खैरियत से हाँ पहुंच गया खैर से कैसा रहा ट्रेन का सफर बहुत अच्छा मेरी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि ट्रेन ने टाइम पर पहुंचा दिया अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है आप थक गए होंगे ना आराम कर लें मैं बाद में फोन करूं चलो फिर बात होती बाय बाय अल्लाह हाफिज़ हेलो अस्सलाम वालेकुम खुशबू वालेकुम अस्सलाम ठीक से सोए रात को जी बिल्कुल खैर तुम मुझे ये बताओ अपार्टमेंट कैसा लगा इट्स ब्यूटीफुल डोंट आस्क मी बिल्कुल समंदर के सामने यहाँ का व्यू इट्स अमेजिंग खुशबू है ना मुझे भी बहुत पसंद है इसके व्यू ने मुझे हमेशा फैसिनेट किया है मुंतजर दियों की रातें मुंतजर है चुप की बातें हब्स हवाएं ढूंढे मुंतजर जमी की बूंदें इश्क नसीबों वाला इंतजार का रखवाला मिलके भी दूरी मिले प्यार क्यों बनाया रब्बा ओ सोना हिजर भी मनता माने ओ सोना हिजर भी मनता माने तो अमेरिका की स्कॉलरशिप क्यों रिफ्यूज की लोग तो मरते हैं जी मरते भी हैं और तरसते भी हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मेरी तालीम का फायदा मेरे अपने वतन के लोगों को नहीं है तो फिर ये सब कुछ बेकार है तो आप एक आइडियलिस्ट हैं इसी ख्वाब ने तो हमें ये मुल्क दिया है मुझे मीना फिरोज कहते हैं आप मुझे मीना जी भी कह सकते हैं थैंक यू हमारा टास्क मुश्किल है नामुमकिन तो नहीं है मैम बस तुमसे मिलने से पहले आई हैव माय डाउट्स और अब इट्स गुड टू फाइंड एन आइडियलिस्ट जी मुझे आप लोगों का विजन बहुत प्रैक्टिकल लगा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के गिवन रोड मैप के हिसाब से जो है टाइमलाइन के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर करूं इस प्रोजेक्ट को पैशन की ज़रूरत थी जैसे तुम्हारा ही इंतज़ार था थैंक यू हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं भी ठीक हूँ गुड आवाज़ को क्या हुआ काफ़ी डाउन लग रही हो कुछ नहीं बस ऐसे ही बुखार था क्या दवा खाई डॉक्टर को दिखाया खुद ही ठीक हो जाएगा आयशा प्लीज़ अपनी डॉक्टर खुद नहीं बनो जाओ डॉक्टर को चेकअप करवाओ अपना अरे डांट क्यों रहे हैं ठीक है दिखा दूंगी हाँ प्लीज डू दैट आंटी कैसी
आंटी कौन है? अच्छा अच्छा अम्मी, हाँ अम्मी कैसी है? ओह अम्मी, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा पता है मैं फूफो के घर गई थी, आपके जाने के बाद बहुत खामोशी हो गई है, बिल्कुल चुप चुप रहने लगी हैं फूफो भी। बहुत अच्छा किया उनसे बात करके, आपके फोन का बहुत इंतजार करती हैं वो। देखो आयशा, मुझे भी आए हुए यहाँ 2 दिन हुआ, अगर तुम या फूफो इस तरह करोगे तो फिर 2 साल कैसे गुजरेंगे मुझे ये बताओ। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था, मैं तो बस बता रही थी कि लिसन, बी ब्रेव, ओके? खुद भी हौसला करो, अम्मी को भी हौसला दो, मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करो भाई। वो तो 5 वक्त करती हूँ। तो अल्लाह पर छोड़ दो फिर सब, ओके? आप ठीक है, कोशिश करूंगी कि अब आपको परेशान ना करूं। थैंक यू। मेरा कहा मानोगी ना तो हमेशा फायदे में रहोगी। जी अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मैं कल फोन करूँ ना? नहीं। जी ठीक है। कर लेना भाई कर लेना, रात 10 बजे के बाद मैं घर पर ही आऊंगा। जी अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, स्वीट ड्रीम्स, बाय। मेरे ख्याल में पहले फेज में हमें उन कम उम्र बच्चों से मिलना चाहिए जो अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरियों पर लगे हुए हैं। मैंने शायद कोई रेकी के लिए कहा है, हमारा टारगेट फैक्ट्रीज, मिल्स और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स है। शहर जैसे जैसे फैलता जा रहा है छोटी नौकरियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि गरीब से गरीब घरानों के बच्चे पढ़ाई छोड़कर पैसे के पीछे लग जाते हैं। हमें उन्हें वापस पढ़ाई की तरफ लाना है। आप सबके लिए मैंने एरियाज डिजाइन किए हैं। रिजवान, बिलाल भाई तो कुछ गायब भी नहीं हो गए, हमें आए हुए 3 दिन हो गए और ना कोई फोन, ना आता ना पता। स्ट्रेंज, आई थिंक आई शुड कॉल हिम। कॉल हिम देन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कहाँ गायब हैं? भाई मुझे आए हुए 3 दिन हो गए, ना आपने हाल पूछा ना चाल पूछा, और आप खुद भी ऐसे गायब हैं जैसे मेरी नहीं आपकी रुखसती हुई है। इतनी जल्दी भूल गए हमें? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा और रिजवान का इस्तंबुल का ट्रिप कैसा रहा? हाँ, टर्की वॉज अमेजिंग। मेरे ख्याल में आपको और आयशा को भी वहीं जाना चाहिए हनीमून के लिए।
अच्छा ये बताओ ब्लू मॉस देखी? उसके अलावा मुझे तो पता ही नहीं था कि टर्की के लोग इतना वेलकमिंग और इतने लविंग हैं। वो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे इस बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था। चलो आई एम हैप्पी, रिजवान से बात करवा मेरी। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप इन टच, ये लें बात करें। जी बिलाल भाई, क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी मियाँ, कैसे हैं? आयशा कहाँ रह गई है? काफी देर से किचन में आई थी। पता नहीं क्या कर रही है आयशा। आ जाओ आयशा, थोड़ा टाइम हमें भी दे दो यार। बस बस आ गई। ये क्या है? ये रही मेरी हाथों की बनाई हुई खीर। वाह, वेरी प्रोफेशनल आई मस्ट से। एंड आई एम लविंग द चांदी के वर्क ऑन इट। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मिट्टी के कुंडे में है, क्योंकि वो जो खीर सेट होती है ना इसमें, वो ये फायदा ना सुगड़ बहू लाने का। हाँ है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे? ये तो नहीं मिलने वाली। एक्सक्यूज मी, मैंने भी टेस्ट करनी है। प्लीज खाए। ड्रामा देखो, ड्रामा। पापा दामाद को तो देना, मेरा ड्रामा से ही सीखे थोड़ा सा ड्रामा प्लीज। कौन दामाद, मैं किसी को नहीं जानती। ओहो अच्छा चलिए बेट, ये मुझे खीर बना के खिलाओ। आयशा आप देखो तुम्हारे से मुझे तो आने पड़े, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम भी चखेंगे। जल्दी से ट्राई करें। बस वापस से हमें खत्म कर देगा। मुझे भी टेस्ट कराएं। है ना, बाजार की लग रही है बिल्कुल। ये कोई तारीफ नहीं होती घर की बनाई हुई चीज की। हाँ, बाजार की लग रही। छोड़ो, ऐसे नाशुक्रे लोगों को नहीं खिलानी चाहिए। लाओ यहाँ दो मुझे। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर ही होती है। मैं बिलाल भाई को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कितनी अच्छी आशा ने खीर बनाई है। इनफैक्ट स्काइप करती हूँ। वेट भाई, प्याले कहाँ हैं? रुको रुको, भाई को स्काइप करते हैं। वो मना करें ना। प्याले लेकर आओ किचन से। हेलो। हेलो भाई, कैसे हैं आप? मेरे पास आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। देखो जोबिया, मेरी बात सुनो, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो, प्लीज बड़ी हो जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताओ कैसे याद किया? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हमारी प्यारी सी आयशा भाभी ने खीर बनाई है। ये देखें। ये देखो भाई। और बिलाल, यू हैव नो आइडिया किस कदर मजे की खीर है। ये देखो, दिस इज एब्सोल्युटली डिवाइन। अब आयशा तुम ही तो कुछ बोलो ना। पहले बिलाल देख लेगा कि मैंने आयशा को खीर खिला दी। रिजवान आप भी बताएं कैसी लगी खीर? खीर मुझे बहुत जबरदस्त लगी, अमेजिंग। आप एक और बाइटिंग लेना चाहेंगे? कुछ क्यों नहीं भाई, अब आप तारीफ करें थोड़ी सी। बस करो शर्माना और थोड़ी खुल के बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस करो यार, अच्छी है, तुमने ही बनाई है, डर क्यों रही हो खाते हुए? तुमने तो पप्पू के घर में रौनक लगा दी। नाउ आई एम हैप्पी दैट आई हैव अ भाभी लाइक। थैंक यू। हेलो
सॉरी मैं रूम में नहीं था। मैं कितनी परेशान हो गई थी। इतने जल्दी परेशान मत हुआ करो भाई, तबीयत ही ऐसी है, क्या करूं। दरअसल सॉरी कहना था आपको। किस बात के लिए? वो जुबी ने अचानक मुझ पर कैमरा किया और मैंने आपको सर बिलाल कह दिया। सॉरी, आखिर टीचर तो हूं ना मैं तुम्हारा। ये तो है। और तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है? यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली? सारे क्लास फेलोज ने आपका पूछ के तंग किया हुआ है। आजकल घर पर ही तैयारी चल रही है। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती ना। खैरियत, क्या हो गया उन्हें? कभी आप भी उन्हें फोन करके तबीयत का पूछें, उन्हें अच्छा लगेगा। सही कह रही हो, मैं कल कॉल करूंगा उन्हें। ओके? मुझे इंतजार रहेगा। हाँ, कल कुछ मीटिंग्स हैं, उनसे फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें। चलें फिर, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Good morning. Good morning. How are you? I'm good. बस एक कॉफी ला दीजिएगा प्लीज। कॉफी मैं भी पीऊंगी। दो कॉफी ला दें। थैंक यू। बिलाल कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ? बिल्कुल ठीक जी, बहुत सारी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होंगी। और तुमने एडजस्ट कर लिया? कराची मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, बट ये कि इस दफा स्टे थोड़ा लंबा है। खैर है। गुड। कराची की अपनी एक सोशल लाइफ है, खासतौर पे नौजवानों के लिए। मैं खासा बोरिंग नौजवान हूँ जी। बहावलपुर में भी मैं ज्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी में होता था या फिर अपने घर में। यहाँ आकर भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया मेरी रूटीन में। तो चेंज लाओ ना। चेंज समटाइम्स आपकी लाइफ ही चेंज कर देता है। डरते हो? नहीं, डरता नहीं, बस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं खुद पर। देखो, मेरे दोस्तों का सर्कल बहुत सिलेक्टेड है, मैं चाहूंगी कि तुम भी मेरे दोस्तों के सर्कल में शामिल हो जाओ। आपने मुझे दोस्त कहा, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, हम दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों पर फख्र करती हूँ। दैट्स सो नाइस ऑफ यू मीना जी। अच्छा, हम कल चल रहे हैं ना फील्ड में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अरे वाह वाह, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। ये मैं क्या सोचने लगा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या कुदरत मुझे आजमा रही है?
मुझे भूल जाना चाहिए। मेरा नाम जुड़ चुका है किसी के साथ। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम थके हुए नजर आ रहे हो। कुछ नहीं जी, बस वो रात में थोड़ा लेट सोया था, प्रॉब्ली उसकी वजह से आपको लग रहा हो। अगर अच्छा फील नहीं कर रहे थे तो ऑफ कर लेते आज। नहीं नहीं, आई एम फाइन। और वैसे भी मेरे लेट सोने या ना सोने से प्रोजेक्ट का क्या ताल्लुक है, आप सुनाएं, सब ठीक है। अच्छा, वो आज इस्लामाबाद से एक डेलीगेशन आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना। जी बिल्कुल, हमारे प्रोजेक्ट की खबरें ऊपर तक जा रही हैं। जी, एंड आई थिंक ये तो अच्छी बात। हाँ, सबकी मेहनत है। अच्छा सुनो, तुम वीकेंड पे क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, घर पर ही होंगे। तो फिर इस सैटरडे को तुम मेरे साथ हो। कोई खास ओकेजन? मेरे दोस्त का कैफे है, वहाँ का फूड बहुत डिलिशियस होता है, तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगी, तुम्हें उनसे मिलके खुशी होगी और तुम्हारी बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने कब कहा कि मैं बोर होता हूँ? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। मीना जी, मैंने कहा ना कि रात में मैं लेट सोया था, इस वजह से आई एम फाइन। अच्छा एनीवेज, सैटरडे नाइट तुम मेरे साथ हो। जो हुकुम।